सारंगढ़ पुलिस ने महिला हिंसा उन्मूलन कार्यक्रम के तहत मोना मॉडर्न स्कूल में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। स्कूली बालिकाओं को महिला हिंसा और उससे जुड़े कानूनों के विषय में जरूरी जानकारी दी गई। शुक्रवार 25 नवंबर को सारंगढ़ के मोना मॉडर्न स्कूल में पुलिस अधीक्षक के मार्गदर्शन पर SDOP द्वारा महिला उत्पीड़न, सावधानी, गुड टच बैड टच, महिला हिंसा, घरेलू हिंसा की जानकारी दी गई। स्कूली बालिकाओं को बताया गया कि संयुक्त राष्ट्र के आंकड़ों के अनुसार महिलाओं के खिलाफ हिंसा के 74 करोड़ से भी अधिक मामले प्रकाश में आए हैं। इसी रिपोर्ट के अनुसार औसतन 137 महिलाओं की हत्या हर रोज उनके परिवार के लोगों द्वारा की जाती है। हर 3 में से एक बच्ची स्कूल में अपनी सहपाठी द्वारा मारपीट को झेलती है। उच्च पद पर आसीन महिला भी इससे अछूती नहीं है। हिंसा से निपटने के लिए महिलाओं को समय समय पर जानकारी दी जाती है। स्कूली बालिकाओं को अभिव्यक्ति ऐप के बारे में भी जानकारी दी है और बताया गया कि वे ऑनलाइन शिकायत कर सकते हैं। PHQ से प्राप्त निर्देशानुसार आज 25 नवंबर को SP सर और एडिशनल SP सर के मार्गदर्शन में इंटरनेशनल डे फॉर एलिमिनेशन ऑफ वायलेंस अगेंस्ट वुमेन या अंतर्राष्ट्रीय महिला उन्मूलन दिवस मनाया गया, जिसमें मोना मॉडर्न स्कूल में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जहां पर क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक की बच्चियां उपस्थित थी। उन बच्चियों को उनके लीगल राइट्स के बारे में बताया गया, साथ ही साथ उन्हें यह भी जागरूक किया गया कि यदि उनके साथ कोई भी घटना होती है या कोई भी अनयूजुअल चीज़ें होती है तो उन्हें उसके अगेंस्ट उनकी वॉइस रेज करनी है, उन्हें उसका बताना है उसके बारे में अपने परिचित को या किसी को भी, टीचर्स को। साथ ही साथ उनका यह भी बताया गया उन्हें कि अभी हम जो सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसमें हमें कैसे सिक्योरिटी रखनी है। बच्चों में बहुत ही ज़्यादा रील्स बनाने को और सोशल मीडिया को लेकर प्रचलन है, तो उनमें उनकी सिक्योरिटी के लिए बताया गया। साथ ही साथ जो फाइनेंशियल फ्रॉड होते हैं, बच्चे जो मोबाइल खेलते हुए ऐप के माध्यम से जो पेमेंट कर देते हैं, उसके बारे में भी उन्हें जागरूक किया गया। साथ ही साथ जो हमारा एक अभिव्यक्ति ऐप है, अभिव्यक्ति ऐप को यूज़ करने के बारे में भी बताया गया, और यदि उनके साथ कोई भी घटना होती है तो उसमें कैसे वो कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं, कैसे उसका स्टेटस देख सकते हैं, ये भी बताया गया, एवं उनकी पहचान गोपनीय रखने के बारे में जानकारी दी गई। हम आशा करते हैं कि हमारे इस प्रोग्राम के बाद सभी इसका उपयोग करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा पुलिस का सहयोग देंगे। हर्ष न्यूज़ के लिए सारंगढ़ से गोविंद बरेठ की रिपोर्ट।